नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोजगार दैनिक समाचार में। पहली खबर ये रही आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग को नहीं मिले एजेंसी में तो कैसे मिलेंगे योग्य अभ्यर्थी। यहाँ पर बात की जा रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका हाल ही में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जिसमें आपकी सैलरी लगभग 20 से 25 हज़ार बताई जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर छात्रों में काफ़ी विरोध किया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती ना किया जाए। यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ तो सैलरी आपके स्क्रीन पर ये दिखाई जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मैं सिस्टम गड़बड़ हो गया था, चलिए ठीक है, अब सही हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सैलरी की बात की जा रही है, जिसमें प्रतिमाह 25 हज़ार रुपये आपको बताई जा रही है, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से भली भांत तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, एक बड़ी खबर है, 5 करोड़ में भेजे थे राजस्थान शिक्षक भर्ती की मामला जो थी, जिसमें रीट का पेपर लीक हुआ था और ईडी के पेपर के बचाने के लिए राम कृपाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला ईडी ने खुलासा कर दिया है, और यहाँ पर 5 करोड़ रुपये में पेपर बेचा गया था। पूरा रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर 5 करोड़ रुपये में बेचे गए थे और ईडी ने गिरफ्तार किए आरोपित राम कृपाल मीणा ने रिमांड पर लिए अदालत में दाखिल आवेदन पर यह दावा किया है। 2021 में हुए घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। और वहीं पर एक बड़ी खबर की बात करें तो एनपीसीएस के बदले में सुनिश्चित पेंशन योजना पर विचार कर रही है सरकार, और अंतिम जो आपका पेंशन है उसमें अधिकतम 45% हो सकती है, और न्यूनतम की बात करें तो यहां पर पूरी रिपोर्ट दी गई है। और वहीं पर अगली खबर की बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट 11 की परीक्षा 27 से और प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। 4 दिन तक चलेगी परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर हुआ निर्धारण, और कर्मचारी चयन आयोग SSC ने सिलेक्शन पोस्ट के 11 को प्रवेश पत्र जारी कर दिया, और इसकी परीक्षा 27 से 30 जून तक देश भर में कई शहरों में कराई जाएगी। ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर सीधे प्रसारित की जा रही है। और एक बड़ी खबर वहीं पर निकल कर आती है, APO का परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें 69 लोग चयन हो चुके हैं, और ये प्रयागराज की रिपोर्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं आयोग ने UPSSC के बुधवार को सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि APO का परिणाम जारी कर दिया है, और APO के 69 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिसमें चयनितों को अगले कुछ दिनों में नियुक्ति भी दे दी जाएगी। और अगली खबर की बात करें तो 10 वर्ष भी राशन वितरण प्रणाली में नहीं हुई सुधार, ऐसा LG का कहना। संवाददाता उपराज्यपाल BK सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू होने वाले 10 वर्ष के बाद भी दिल्ली में राशन वितरण प्रणाली नहीं सुधरी है, क्योंकि अब तक सोशल ऑडिट करने के नियम भी नहीं बनाए गए हैं। और अगली खबर की बात करें, अगर यहाँ पर पॉलिटेक्निक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, जो पॉलिटेक्निक यानी कि ZCUP के थ्रू जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें पॉलिटेक्निक की परीक्षा कई बार आपके रजिस्ट्रेशन के डेट बढ़ाए गए थे, अब वो रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है 20 जुलाई को निर्धारित कर दी गई है। ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर सीधे दिखाई जा रही है। पहली बार 75 जिलों में परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है, और 2.25 लाख सीटों के सापेक्ष 3.0 यानी कि कह सकते हैं 3.25 लाख जो है छात्र यहाँ पर परीक्षा में बैठेंगे, आप यहाँ रिपोर्ट पर देख सकते हैं। और अगली खबर की अगर बात करें तो छात्रवृत्ति को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है, और आपके स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि आवेदन में केवल माता पिता के आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, अगर आप किसी अन्य का जो है आय प्रमाण पत्र लगाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और वहीं पर CHSL 2022 के Tier 2 की परीक्षा 26 को और प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड किया है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए 4522 पदों पर मिलेगी नौकरी, और सिलेक्शन की 11 परीक्षा जो है 27 केंद्रों पर निर्धारण के लिए भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं पर इस बुलेटिन के कुछ प्रमुख समाचार जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं, AIEEMS में रायपुर में निकली भर्ती, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं 169 पदों के लिए सीनियर रेजिडेंट्स के, और वेबसाइट आपके स्क्रीन पर ये दिखाई जा रही है, यहाँ आप डिटेल ले सकते हैं। भेल में रोजगार के पद हैं 82 पदों पर, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहां से आवेदन कर सकते हैं, ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और राजस्थान में विज्ञापन निकला है 5388 पदों के लिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी लेके। ये थी आज की बुलेटिन कुछ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आप ऐसा खबर देखना चाहते हैं डेली तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।